मन क्यों बैरा करेगा सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा। मन किरदार निभाने वाले। कहते हैं कि मौत से बचने का एक ही तरीका है कि सबके दिलों में जिंदा रहने का सलीका सीख लिया जाए, पर सारियां दे दिलों में राज करना कोई सौखी गल नहीं है। ये तो इंसान सिर्फ ते सिर्फ अपने सच्चे सुच्चे किरदार, अपनी चंगी नीयत अते इंसानियत की भलाई लई भिजी हुई सोच नाल ही कर सकता है। इसी तरह कई सारे महान व्यक्ति हुए हैं जो इस धरती पर अपने अनोखे कारजा करके अपनी विलखण छाप छड़ जाते हैं। वह विरसे की विरासत होंगे। अक्सर महान व्यक्तियों की पछाण उन्होंने चरित्र जोग भलाई के कारज और सादगी करके होंगी है, जिन्हों ना तो दुनिया की कोई ताकत उन्हों का इफजाना देन तो रोक पाती है, ना ही कोई कुदरती शक्ति उन्हों का इफजाना देन तो इनकार करती है। महान आदमी भी वह जिन्हों के नाते कोई स्कीम लॉन्च नहीं की जाती, कोई सैलीब्रेशन नहीं होंगी, उन्होंने तो बस याद ही महफल की रोशन बन जाती है, बेशक क्षमा बुझ ही क्यों ना गई होवे। मैं भी आज अपनी श्रद्धा के फुल एक ऐसी हस्ती नूं पेट करन जा रही हाँ जो कि चंगे संस्कारां दे धारनी महान पारोपकारी परमात्मा नाल अथाह प्यार करन वाले सरदार गुरनाम सिंह रियाल जी। फकरे कौम कुछ खास इंसान होते हैं जे वो हीरे हैं जो हर खान से निकला नहीं करते। रियाटी इलाके की उगी ते हसमुख शख्सियत सरदार गुरनाम सिंह रियाट जी का जन्म जिला गुरदासपुर के पिंड भामड़ी विखे पिता सरदार संपूर्ण सिंह जी के घर माता गुरबचन कौर जी की कुखों 20 अक्टूबर 1939 ईस्वी में होया। आप जी ने 10वीं तक की पढ़ाई हाई स्कूल तो ग्रहण की, उपरंत आप जी अपने पिता पुरखी धंधे नाल जुड़े ते एक सफल किसान बने। खेतीबाड़ी दे नाल नाल आपने अपनी सूझबूझ ते सियानप नाल कारोबार नूं वधाया अते कई सारे काम किए। आप जी
कई बार पिंड दे सरपंच भी बने अपने किरदार अपनी सोच दिनवेक सोच नाल नवेकलेपन नाल काम करते। महान आदमी कोई अलग काम नहीं करते, वो उसी काम को अलग ढंग से करते हैं। आप जी का ब्याह 30 मार्च 1960 ईस्वी होया, उपरंत आपने अपनी परिवारिक जिम्मेवारियां बखूबी निभाइया। आप जी के घर दो पुत्रा कुलबीर सिंह रियाड़ जी और हरबीर सिंह रियाड़ जी ने जन्म लिया। अपने आप जी ने अपने बच्चों को चंगे संस्कार दिते और समाज में उन्होंने चंगे नागरिक बनाया। आप जी ने कई देशों दियां यात्रावां कीतियां। 1988 आप जी कादियां आन वसे। छेवें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद जी तो वरोसाए श्री गुरु हरगोबिंदपुर और 12 रियाड़की पिंडा के रियाड़की इलाके की पहचान बाबा आया सिंह रियाड़की कॉलेज तुगलवाल में प्रधान वजो सेवा निभा लगे। आप जी ने 23 साल इस संस्था की प्रधानगी की। आप जी की प्रधानगी अधीन संस्था ने विश्व पद्धर में नाम खटिया। आप जी सच सादगी की मूर्त सन। वह हनेरिया रातों रोशन करता एक चिराग सी जेदी आवाज़ विच गूंजती सारी रियाड़कियां दी आवाज़ सी। रियाड़की लई अथाह प्रेम उहदे अंदर ठाठा मारता सी। उहदी नवेकली सोच करदी सुन्ने राह आबाद सी। ऐसा जोश सी उस अंदर जो सदियां तो वेख्या ना। खोरे वह रियाड़की सी जां रियाड़कियां दा शिंगार सी। महान शख्सियतां दी कतार विच उहदा वखरा ही अंदाज़ सी। आप जी के पिता सरदार संपूर्ण सिंह जी इस संस्था के मुढ़ले प्रधान सन। उन्होंने भी 23 साल इस संस्था की सेवा निभाई। आप जी की प्रधानगी हेठ इस संस्था को पंजाब स्टेट अवार्ड, मध्य प्रदेश सरकार वालों महात्मा गांधी अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जलंधर दूरदर्शन वालों 5 पानी अवार्ड नाल नवाजिया जा चुका है। आप जी मिठी बोली के मालक सन ते अपनी मिठी बोली नाल हरेक नूं अपने वल खिंच लैंदे सन। उन्हां दी शख्सियत इउं बयान करदी है, तारीफ के मोहताज नहीं होते कुछ शख्स क्योंकि असली फूलों पर कभी इत्र नहीं लगाया जाता। आप जी दी जोग सुचज्जी प्रधानगी अधीन कई विद्यार्थियों ने इस संस्था से शिक्षा ग्रहण की। आप जी की शख्सियत सच्चा सुचा किरदार साढ़े लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेगा, साढ़े दिलों में मगदा रहेगा। असी हमेशा सच्चाई के रस्ते पर चलद बयान करांगे। जिसने सच सादगी का पाठ पढ़ाया, नाम दान इशनान सेवा सिमरन का सानू असूल सिखाया, आत्मघात नहीं करना कदे भी, ना टेंदियां कला वल जाना, दया हिम्मत धर्म दे लड़ लग के सच संजम नू गल लाउणा, उच्चा निशाना रखो सदा ही, बिकॉज लो एम इज क्राइम, वक्त विचारे सो बंदा होए, मुड़ लंघ नहीं आउंदा टाइम। जिसने दस्या सबर नाल रहना, नाम खुमारी दा रंग चढ़ाया, चंगी जीवन जात सिखा के साकत संग तो दूर भजाया। मोबाइल टीवी फैशन प्रस्ती वल भजदे सां पर उस तो भी दूर रहना सिखा दिता। अज सच पुछो ता इस कालज ते कालज दियां महान शख्सियतां ने साडा वाल वाल करजाई कर दिता। सो मैं अंत विच यही कहना चाहती हाँ कि ना दियो श्रद्धांजलियाँ, श्रद्धांजलियाँ च की पिया उस वर्गे बन जाओ मरण वाला जी पिया। उन्हां दियां सिक्ख्यावां नूं अपने जीवन में ग्रहण करो ते उन्हां जिहे सच्चे किरदार वाले इंसान बनो। जिंदा रखेंगे आपको अपने दिलों में, अल्फाजों में हमेशा, क्योंकि जिस्म के खाक होने से किरदार मरा नहीं करते। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੱਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਸਨ ਜੋ ਬੱਚੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਈ ਹੈ।
मैं राहां ते नहीं तुरदा, मैं तुरदा हाँ तो राह बनते। एक नवा राह बनाया, कहिंदे जे ये कालज बच्चों का बच्चों लई ते बच्चों द्वारा चलाया जाता है, उन्हें दित्ती ही सानू, और इस करके सारा कुछ ही बच्चों उदन दे पाठ जलीन ने सारे बच्चे पांच साधारण पाठ कर चुके हैं। और सब तो वड्डी गल जिहड़ी इन्हां बच्चों नूं ये बच्चों के दिल एक नवा राह कढ लिया। अपने कुड़ी कह के महान आदमी को अलग काम नहीं करते, उसी काम को अलग ढंग से करते हैं। प्रधानगी की अलग ढंग नाल क्या ना बच्चे प्रधान इन्हों का फैसला आ। इन्हों का फैसला जो ये करन वो होगा वो ही होया। और की होया बी ए 1-2-3 बिल्कुल फ्री, बी सी ए 1-2-3 बिल्कुल फ्री, और इन्हों दो क्लासा की बी ए 1-2-3 बी सी ए बी ए की रोटी भी फ्री, कपड़े भी फ्री। कारण की होया सारे अधिकार बच्चों को देते, बच्चे को पैसे नहीं मुकते क्योंकि सांठ गांठ कितने नहीं गई, बच्चे को पैसे नहीं मुकते। और आ जुरत ये उन्होंने दी देन सी। होया कि रुपया पैसा बगाड़ता होमे बगाड़ी है। बाबा आया सिंह ते संपूर्ण सिंह हुणी पहले भी बड़ा वधिया स्कूल चलाउंदे सी, सत्कारयोग प्रीतम सिंह रंधावा हेडमास्टर जेड़े इन्हां दे पिता दे जमाती सन वो हेडमास्टर ते ए प्रधान ते बाबा आया सिंह उत्ते सरप्रस्ती। क्या बात सी, क्या बात सी, इन्ना वधिया इन्ना वधिया। इस स्कूल ने दिते ओलंपियन, उन्हां दा बेटा ओलंपियन, उन्हां दा SSP इन्ना कुछ सीगा। बेड़ागर कितों होया, बेड़ागर कितों होया जदों सरकार ने कहा 95% ते कमेटियां बनियां, ते कमेटियां बन के बाबा जी नूं बाहर कटता ते कमेटी बन गई। तो कह भाई बाबा आया सिंह हूँ बाबा गया सिंह हो गया, तो कमेटी बन गई। कमेटी ने अपने न्याणे भर्ती करने शुरू करते और 5% पूरा ना होया करे। हेडमास्टर साहब चल गए मगरों जदोजहद, हेडमास्टर किनू बनाउणा, किहड़ा योग आ किहड़ा नहीं योग, किनू पसंद आ किनू नहीं। संपूर्ण सोना ने इन्ना वधिया चलाया 1981 तक 81 च इस वर्गवास हो सियापा की पै गया। कमेटियां दो बन गई, दो कमेटियां बन गई, एक साथ चंदन सिंह प्रधान बन गए, एक साथ गुरजीत सिंह प्रधान बन गए। तो मुकम्मे चलन लग पे चंदन सिंह वर्सज गुरजीत सिंह, उधर हाई स्कूल हो गया, इधर कॉलेज हो गया। केस उत्थे पैसे कॉलेज दे ते स्कूल दे दोवें धिर ही खाली हो गई। इन्होंने मुड़ के हेडमास्टर नूं हेडमास्टर सस्पेंड करता, केस एक हो गया लखविंदर सिंह वर्सज चंदन सिंह। प्रधानगियां आ गई, इन्हां प्रधानगियां का तजर्बा खुद श्री गुरु नाम सिंह को। जदों फिर 98 ये प्रधान बने, इन्होंने कहा कोई दखलअंदाजी नहीं, ये कॉलेज बच्चों का बच्चों लई ते बच्चों द्वारा चलाया जाऊगा। उदों तक इश्तहार वेख लो सारा कुछ है, और एक मासा जिन्ना भी दखलअंदाजी नहीं। क्या बात, और हुण जिहड़ी साडी कमेटी सी
जरा साडा कल वो बिल्कुल ही एक जान और साडे वाइस प्रेजिडेंट और उन्होंने बेटे और गुरनाम सिंह हुणी प्रधान सुरजीत सिंह हुणी बलबीर सिंह हुणी और फैसला उदों का ही होया भी ये हुण इस टब्बर कोल ही इस टब्बर कोल ही ये स्कूल रहेगा कॉलेज रहेगा और हुण भी इसे ही टब्बर कोल ये कॉलेज स्कूल आ साडे वाइस प्रधान जेड़े कि नहीं वो कहें बिल्कुल नहीं मैं कहा नहीं जी ये तो कम चला ही पैना और प्रधानगी भी इस घर रहनगी वाइस प्रधानगी भी ताे को रहूगी सारा कुछ रहूगा इस तरह ही चलना सो जिन्ना चेर फिर इतें ही बस रही एक रियाड़की दवान सभा बनी वो भी एग्जैक्टिव मैंबर वो भी सब कुछ वह भी इसे परिवार को ही रहनी है इस तरह ही उन्होंने रखना वो भी मैंबर आए सत्कार योग सारी रियाड़की दवान दे और इस फैमिली की देन ही नहीं लोग दे सकते और गुरनाम सिंह तो कॉलेज हमेशा ही याद रखूगा और उन्होंने बेटे उन्होंने सारे ही क्या ही बात है मैं हूँ आऊँगा जाऊँगा भी लोगों को नहीं आओ आप ही जे किसी ने कोई शरदा का फुल भेंट करना जां कोई गल कहनी जे आप ही उठ के एक अद्धे मिनट में आन के अपना दसो आओ जी आओ अपने आप आओ ये साढ़े स्कूल साढ़े इस इंस्टीट्यूशन के पहले ओलंपियन क्या आज बात गुरु महाराज की हजूरी में बैठी सात संगत वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतह। मेरा ख्याल आ जे कभी मैं इम्तिहान में बैठागा तो जे कभी कोई ये सवाल आ गया कि बेस्ट फ्रेंड के ऐसे लिखो तो मैनू चोन करन दी लोड़ नहीं पैगी। सरदार गुरनाम सिंह वाज माई बेस्ट फ्रेंड। मेरा ख्याल आ कि तुसीं जिन्ने भी इत्थे बैठे हो मैं ताडे सारियां तो पहला तो उन्हां दा जाणू। सन 1953 विच मैं सतवीं जमात दीआं छुट्टियां तो बाद इस स्कूल विच आया सी ते मेरे उदों तो ही वाकफ ने। कहिंदे ने कि संजोग तुरों लिखे हुंदे आ, मैनूं ते इंज लगदा कि मेरी ते उन्हां दी दोस्ती उत्थों ही लिख के आई सी। मैनूं समझ ही नहीं आ रही कि मेरी उन्हां नाल उदों नेड़ता किस तरह बण गई। 1960 विच उन्हां दी शादी होई, मैं नेवी विच सी, मैं उन्हां दी शादी ते नहीं आ सकिया लेकिन उन्हां दा मुकलावा लैण मैं गया सी। मैं ये नरेट गगन नूं कीती है। उदों सैकंड क्लास दी सीट होया करदी सी जिहड़ी अमृतसर तों कादियां गड्डी आउंदी सी। मैं उन्हां ने ते भाभी जी दी टिकट सैकंड क्लास दी लई ते असीं अगे डब्बे 'च वड़न नहीं लगे ते दार जी वी बाले बटाले स्टेशन ते शिव सिंह दे बटाले तों असीं उन्हां दीआं टिकटां लईआं ते फिर असीं कादियां तों उतर के इन्हां नूं पावनी छड्डण गए। मैं तुहानूं इह गल्लां इस करके नरेट करनियां चाहुंदा कि जो लोग ये कहिंदे हन कि पैसे दोस्ती विच फर्क पा दिंदे हन, उन्हां दी ते मेरी दोस्ती ने झूठ साबित कर। मैं उन्हां नूं कभी पैसे नहीं दित्ते, हमेशा उन्हां ने मेरी मदद की और मेरे नालों थोड़े तगड़े से। वैसे तो असीं सफल दोवां ने सैकलां तों कीता लेकिन वो जल्दी मेरे नालों थोड़ा तरक्की जल्दी कर गए, उन्हां दा व्यापार वाल ध्यान सी। मैं एक गल एक मिसाल तुहाडे सामने रखनी चाहुंदा। अतवाद वेले मैनूं पिंड छड्डना पिया। मेरे दो रिश्तेदार, मेरा भरा ते मेरा जवाई पुलिस विच सी और लड़के सानूं तंग करदे सन। घर ढाउणा पै गया, उत्थे जा के रहण नूं कुछ नहीं सी। उन्हां दिनां विच डीजल दी वी बड़ी कमी सी। ताडे मन्नण च नहीं गल आएगी, भाजी गुरनाम दा ट्रक, भाजी गुरनाम दा ड्राइवर ते भाजी गुरनाम दा डीजल मेरियां इट्टां ते मेरे सारे दरवाजे उन्होंने ढो के अमृतसर ला। इस तरह की कोई दोस्ती सी उन्हां दी मेरे नाल। मैं समझदा एक बहुत वड्डी एग्जाम्पल आ कि इदां दी दोस्ती। ये नहीं कि असीं कदी जिंदगी विच मतभेद नहीं पैदा होया, मतभेद पैदा होए होणगे लेकिन जिस तरह असी उन्हां नूं निवारिया है
वो एक खुद उदाहरण है। मैं तुहानूं एक उदाहरण फिर दे के छड़ दिया। मैं भाभी जी नूं एक रिश्ते बारे आख्या तो इन्होंने कहा कि वीरा मैं तैनूं एक गल दसा, एक गल बननी नहीं। तो मैं क्या नहीं बना, जोर ला के वेखो। कहिंदे मेरे ये वादा कर कि जे नहीं बनी तो लड़ेगा तो नहीं। मैं क्या नहीं लड़ा, पर वो गल नहीं बनी। और मेरा ख्याल है कि मैनू कादियाँ आने वे कोई महीना दो महीने देरी हो गई हुई थी। मैनू कहिंदे फिर करती नहीं वो गल। मैं उस दिन ही कादियाँ आया, मैं क्या नहीं वो गल नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, एक दोस्ती सी इस तरह ही निभू गई। ये है, मैं इस करके तुहानूं प्रमाण दसना चाहना कि उन्हां दी डैथ वेले लाली ने लिखा सी कि भारी वीर जी नूं वीरा आखदे सन। वो मैनू भी वीरा वह भी आखते सन, तो भाभी जी भी वीरा आखते। एक जना वीरा आखण वाला चला गया तो मैं दूजे को आस रखना कि हमेशा आखते रहना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू। अजीब परसनैलिटी सन प्रधान साहब, क्या ही बात है। अब बलबीर सिंह हुणी की कह के गए आ कि सारा मेरा घर बार बनाता। उदन अमृतसरी की कह दिया ही, नौ किले पैरी 9 लाख की लैती। चरित्र रजिंदर सिंह बाजवा कह रहा ही, मेरी जिनी मदद की। क्या बात है, यहोजे इंसान, यहोजे इंसान बनो, बनो यहोजे इंसान, क्या बात है। अचानक जपना तुहाडे सामने कह के गए आ, क्यों अं लुट पसुट च पे हाँ, क्यों अं मलक भागो भाई कौडे राक्षस, की हो गया, कि माया, कि माया के दुआले तुरे फिरते हो, कि माया, आ माया आ जो वो कर गया। ये पुछो तेरे रजिंदर सिंह बाजवा, ये पुछो अमृतसरी, ये पुछो बलबीर सिंह, आ जे गल आओ जी, होर किसी ने कोई गल करनी है दो प्रधान साहब तुम खीरते आओ जी। होर जुगो जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहब की जोर च बैठी सा संगत जी, पहला फतेह लाइए, वाहेगुरू जी का खालसा, श्री वाहेगुरू जी की फतेह। प्रिंसीपल साहब, ताड़ी स्पीच वाल वेख के मन कर पिया कि अं भी 2 लफ्ज जो अज संस्था के प्रधान साढ़े इतने बच्च नहीं संस्कार उन्हां बारे बोले जाण। बहुत लंबा समा अं भी उन्हां नाल रहे कारोबार च भाईवाली ही, पर जदों भी कितें राहिब गाए उन्हां ने कितें बैठना कालेज की गल होनी, मैनूं कहना मास्टर जी ड्यूटियां लग गई। मैं हाँ जी लग गई जी, कितना फिर अजक सराध चलन डे होने। मैं क्या जी इदा ही है जी, माड़ा मोटा चली जाता जी। कहना जाके वेखो कॉलेज जाके पेपर होन डे, जाके वेखो उत्थे पैसे लाए उन्हें बोर्ड से, जे कोई बच्चा नकल मारता फड़िया जाए वो इनाम देंगे। इन्नी वधिया सिफत तो प्रिंसीपल सर इतों ही हो जाती है, जिस संस्था का मुखी प्रधान जा के चैलेंज कर रहे हैं कि जाके देखो जो संस्था इन्नी वधिया। मेरा ख्याल है दूरों नेड़ों आए आ कोई सज्जन मित्र, चंडीगढ़ भी आए हो, दूर दराडे आए होंगे, हो सकता उन्होंने इस संस्था का ना पता हो। संस्था तो ही पता लग जाता कि इन दे प्रधान या प्रिंसीपल जेड़े वो किन्नी क्वालिटी दे, किदा वो संस्था चला रहे हैं। मैं आते आते मेरे दोस्त मिल पे रस्ते, मैं उन्होंने गल कर रहा ही, मैं मेरी भतीजी इतने पढ़ती रही आ कॉन्वेंट स्कूल च, सेंट मैरी स्कूल गुरदासपुर पढ़ती रही आ, स्कूल का नाम तो नहीं लैना चाहिए, चलो निकल गया मूहों। उन्होंने 6वीं 7वीं कहता भी बच्चे साडे स्कूल चो लै जाओ, किसी होर स्कूल सरकारी जो पा दो, ये नहीं पढ़ सकती। घर विचार होया भी यार भाजी कहते यार सरकारी स्कूल तो हूँ थोड़ा जहा लगता नहीं चंगा, क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल वधिया स्कूल पढ़े आ, तो आप तू रोज़ जाना वा तो गल करी तुगला स्कूल ना पा दी। मैं चलो ठीक है जी, करते हैं नाले होस्टल। अं इतने बच्ची पाता अपनी बी ए करके गई है, बी एड की है, इस टाइम प्रिंसीपल सर एम ए कर रही है आदिनगर कॉलेज तो, यूनिवर्सिटी जो टॉप की है 3rd semester जो, जेडे बच्चे स्कूल वाले कह रहे ही पढ़ नहीं सकता उन्होंने इतों लै जाओ,
तो वह बच्चा अज थर्ड समैसटर च एम ए हिस्टरी टॉप किया यूनिवर्सिटी ये स्कूल दे ये कॉलेज दियाँ ये प्राप्तियां तो प्राप्तियां कितना होंगे जो संस्था का मुखी ईमानदार तो वो चंगी सोच वाला हो जिमें तुम उन्होंने दस रहे ही माल साहब ने दसिया भी पैड़ी की गल आ इसे पिंड मेरी सिस्टर भांबड़ी जी व्याहे आ मेरे भैन जी आए भी उन्होंने दराणी जी भाजी छिंदपाल दे वाइफ इन्होंने जिते घर बनाया ये अंकल गुरनाम सिंह नाँ के पैड़ी पैड़ी ही होया कि भी कि उन्होंने लिमिट बनाई जो नंबर कटाए तो वह नंबर अंकल के ना से बोलन वो पैली का पटवारी पुछन भी पट सरदार गुरनाम सिंह के नाँ से बोलन रही है वो एकदम चुप जे हो गए हूँ गल कि करिए भी पैसे देने पैने चार पाँच कनाल थां वा मैनू कहें गल करो अंकल कहते मैं पता वा मैनू कहें सरदार गुरनाम सिंह जी मैं पता मेरे नाते आ उन्होंने कहा जिदन उन्होंने को टाइम लगता आ जाए जो लिखा लिखा लैन उस वे उन्होंने वो रजिस्ट्री कर दी ये इतों पता लगता सारिया इन क्वालिटिया का ता ही जे अज सारे राय बगाए सिफ्ट करते मैं 20-22 साल हो गया इतने इन संस्था से आना तो अपने भट्ठे से भी आना मैनू मेरा किसी नहीं पता भी ये गुरदासपुर आ सिद्धवा तो आता बहुत सारे मैनू यो कहते गुरनाम सिंह का बेटा मैनू कई बार पूछ लेंगे तेरा नाम हरबीर आ मैं कई तो चलो जो देखा भी अज ही आए मुड़ के कढ़ा कह दिया हाँ जी तो कई दस दीदा भी नहीं मैं उन्हों का पार्टनर हाँ मैं गुरदासपुर आना मतलब इन्नी उन्होंने लोगों विचरना ही बच्चों तक के नावों का पता मैनू भी कई बार बैंक या कि होर ब्लाक जाइए तो रियाड़ साहब ही कह देंगे कि रियाड़ साहब आ जाओ क्योंकि इन्हों की बहुत सिखी सेवकी जो इच्छा के पता लगा इन्नी सिखी सेवकी इलाके अज भी जो इन्हों का इदा सुनिया भी इन दे संसार अपनी यात्रा पूरी करके चले गए आ बहुत सारे लोगों ने मैनू फोन किए मेरे नाल अफसोस किए कई फोन पर तो प्रिंसिपल सर रोन डे पे चंगे भले सियाने आदमी मतलब अखा चो उन्होंने गल ना उन्होंने को हो मैं कहें भी इदा इदा हो गया मैं मैंने पता है बीमार ही पर चलो अं सोचते परमात्मा करे भी वापस अपने बच्चों जान हस खेड चलो जो लिखा परमात्मा ने उही होना इदा इदा के इंसान सी इन्ना ही कहता हो मैं उन्होंने सच वाहेगुरू सत कृपा करता भी स्वर्ग वास दे वाहेगुरू जी का खालसा श्री वाहेगुरू जी अजय जे मैं बाजीगर बुलाउन डा पाते हैरान हो जाओ इन्होंने एक बच्ची दसी है जी कहते कहें ये पढ़ नहीं सकती तो यूनिवर्सिटी में टप रहा कि अज ही हमने ही अजय रिजल्ट आया ही मेरी एक कुड़ी जी माँ भी मारती तो प्यो भी मारता कि वह अज आया पंजाब चो कि आहो कुड़ी बैठ जाओ मैं राह से नहीं तुरदा मैं तुरदा हाँ तो राह बन गए ये गुरनाम सिंह आओ जी एहो जी प्रधानगी जेड़े पा गया उस राह तो अं कि दूर जावे ये जेड़ा प्रदेश दे गया जी ये गल गया ये सानू जी जोर जगा गया उ जोर अगे अगे चलती जाऊगी गुरमुख जन्म सवार दरगाह चलिया सची दरगाह जाए सचा पिड़ मल्या सो गुरु के प्यारियो रियाड़ के कालज दे विच जो सरदार गुरनाम सिंह का योगदान है मैं 2006 दे विच भावड़ी पुल उन्हां को थां लिया चार मेरिया बेटियां सी तो जो इस युग दे विच दी एक बेटी जिहड़ी पढ़ाउणी लिखाउणी आ बड़ी औखी आ ते उन्होंने पूरा संजोग किया मेरा जे पिंड मैं रहिंदा ते चार बेटियां वेख के किसी ने कहना साग तोड़ के उन्हूं दे आ किसी ने कहना सब्जी बनाई आ उन्हूं दे आ इत्थे निवेकले थां होण करके मेरियां बेटियां BA पढ़ियां कीर्तन दी एक ने PhD की आ एक ने MA की आ सो तबला वादक भी आ कहन दा भाव आ हथों देख भला मनाए सरदार गुरनाम सिंह एक वह शख्सियत सी जिहड़े हथों दे के भला मनाउंदे सन ते कारज की तरक्की वास्ते हर वेले संभव सन सो इत्थे बच्चियां दे पढ़न नाल
मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं रही, कोई राखी नहीं रही। प्रिंसीपल साहब इन्ने सुचेत ते सुचजे सन जिन्हां ने मैं घर दे जी बुलाउणे आ बधेरा हो गया। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जी ज्यादती नहीं करनी। बच्चे उन्होंने पास गया, मैं हूँ देखना आ उन्होंने बेटा, उन्होंने बेटा उन्होंने बारे की कहता, फिर उन्होंने नूँह उन्होंने बारे की कहती है, तो फिर उन्होंने बेटर आप पत्नी उन्होंने बारे की कहती है, ये भी मैं बच्चों को सुनाने। आओ जी बेटर में शुरू कर दें, किहो जिहा सी पिता, आओ दसो। पता नहीं मेरे को बोलिया जाना तो नहीं, क्योंकि मैं लाइफ पहली बारी माइक के सामने खलोता हूँ। पापा जी ने साडे लई बहुत कुछ किया जी, सब कुछ ही आ गया। सुन लिया और सुन लिया, आज प्यो के बारे आज ये गल, जे प्यो लई तुहाडे इदां अथरू निकलने ते क्यों कोई अपने प्यो नूं भेजूगा किथे? राजा राम जां शहरज की बन गए आ? आहो बोलो, मैनूं संगे गए हो आज आप प्यो नूं याद जे, आप प्यो नूं इदां याद करीदा जे। थैंक यू। और मैं नौ भी निकल जाना क्योंकि नौ हमेशा ही और नौ बजे नौ आना पड़ेगा। एक बार तेरा क्लीयरली नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि असं सारे बहुत गुस्से हैं इस वे। बट ये गल बिल्कुल सच है कि दादा जी ने बहुत कुछ किया, बहुत सारे लोगों लिए किया। हो सकता है असं सारे रल के भी उन्होंने अगे अर्थ भी नहीं हो सकी है, पर मेरी सारे बेनती है जे असी सिर्फ कोशिश करिए, सिर्फ कोशिश करने वाली बहुत फर्क पै जाता एक बंदे की जिंदगी। हाँ मेरी फैमिली ने, मेरे चाचा जी ने दादा शब्द नहीं बोले, बट यदा मतलब ये नहीं है कि उन्होंने दिल में दादा जी वास्ते प्यार नहीं है।
या वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते। साड़ी फैमिली बहुत क्लोज रही है, सारे जुड़े रहे ने उन्हां करके, ते भावे दुनिया में सारे उन्हां दे भरा उन्हां दी फैमिली जिते मर्जी है सारे उन्होंने मजबूती नाल जोड़ के रखे है, एक लिंक बनाया ते मेरी यह पूरी कोशिश रहूगी ते सारे फैमिली सारे परिवार को असी जोड़ के रखिए ते सारे नु चंगी चीज़ा सिखाइए। ते जड़ी शो ऑफ दी रसम या कह लो शो ऑफ अजकल चलता है लोगों च, या हो सकता मैं वर्ड गलत यूज़ कर रहा मोह माया वाली चीज़ा मटीरियलिज्म इन्हों को असी उत्ते उठिए ते एक दूजे चंगी चीज़ा वेखनिया शुरू करिए। सो यस वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। ये विरसा और ये विरसे संभालने वाले बबाणिया कहानियां कपुत सपुत गए पर असी बाबियां दी कहानियां नहीं दसते भी ताडा बाबा एहो जिहा सी, तुहाडा बाबा एहो जिहा सीगा, तुहाडा बाबा किहो जिहा वा ये नहीं दस रहे, तो बाबा कौन है किहो जिहा पोके ने हुण बोलना जी कि मैं अखीर ते प्रधान साहब नूं कहूँगा आओ जी तुसीं भी दसो क्या हमारे दिल में है, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। जुगो जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की हजूरी में बैठी गुरु रूप साह संगत जी, अज असी सारे प्रधान साहब श्री गुरु नानक सिंह जी रियाड़ जी नूं श्रद्धा के फुल भेट करने वास्ते इकट्ठे होए हैं। जो आया सो चल सी सब की आई वारी है, इस गल में कोई दो रावां नहीं कि जिंदगी एक झूठ है तो मरना एक सच। बच्चे इस कॉलेज के हुणे कीर्तन कर रहे सी कि असीं भी उत्थे जावना है, हर बंदे ने जाना पर जाण दा रस्ता वक्खो वक्खरा तो नहीं कह सकते, पर एक गल जरूर हैगी आ जिहड़ी प्रधान साहब की मौत ते प्रधान साहब का जाना वह मगर जो कुछ छड़ के जाना वह 22 साल की प्रधानगी इस कॉलेज की जिहदे विच कई उतरा ते चढ़ा आए। ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਭਈ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਸਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਸੀ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਗਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ 22 ਸਾਲ ਦੇ ਪੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਰਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੇ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ
जो कुछ कार्ज के अज है जी प्रिंसीपल साहब गल कह रहे थे बच्चों बच्चों द्वारा के बच्चों वास्ते वो एक चंगी तो डूंगी सोच का नतीजा है। वो डूंगी सोच एक फ्रीडम फाइटर ग्रुप के निकली सी जिहड़ा ग्रुप प्रिंसीपल साहब होनी जदों जुड़े तो जिदा सोना जिहड़ा वा कठाली चो निकल के तो कठाली में पिघलाउण तो बाद सही निकलता 24 कैरट का बन जाता प्रिंसीपल साहब होनी 24 कैरट के बन के निकले तो इन्हां दी ही बदौलत आ भई अज जो कुछ भी आपां कार्ज में कर रहे हैं जां हो रहा है ये दूरदेशी सा गुरनाम सिंह होना दी 22 साल दी ते इन्हां दी सोच इहनू कोई चुदला नहीं सकता इहनू ये कह नहीं सकता भी ये झूठ है। अज भी जो कुछ इस कार्ज दे विच होया जदों ये देखा गया कि बी वन ते बी बी ए वन ते टू थ्री जिहड़े क्लासां सीगियां उहनां दी फीस ही नहीं ली जाती तो कार्ज किदां चलाया जाता है दुनिया हैरान हो गई इस चीज़ को देख के। तो कुछ मेरे वीर मैं तो भुल्लड़ ही कहांगा कुछ मेरे भुल्लड़ वीर ये बर्दाश्त ना कर सके तो उन्होंने कहा यार एड्डी वड्डी गल बिना पैसे तो कार्ज चलाया जा रहा असीं भी इत्थे कब्जा करके देखना। धन्यवाद उन्हों का जिन्होंने मौका दिता एक दूरदेशी नूं देखण दा एक बहादुरी का एक युरत का। उस विच सा गुरनाम सिंह होना दे साड़ी माता जी बैठे ने बीबी होनी इन्हां दे प्रिंसीपल साहब दे सारे परिवार दे असीं भी अपने आप नूं लगूने दे समझ लैंदे साडे भी नाल ब्रंट हो गए। प्रधान साहब नूं कहा प्रधान जी अपनियां जमानतां करवा लईए कहिंदा जमानतां किस गल दीआं जो होएगा देखांगे जेल जावांगे लोगों को पता लगेगा कि संस्था का प्रधान जिहड़ा जेल जाता है ना कोर्ट की हिम्मत पई ना उस बंदे की जरूरत पई है दोबारा गल कह दे भी जेल जाना है। जदों गल कोर्ट में जज साहब के सामने हुई उन्हें समझाया उस बंदे नूं कहिंदा काका चंगा नहीं लगता तू इहनूं वापस ले लै जिहड़े बंदे विच पए उन्होंने वापसी वास्ते उन्हें प्रेरिया तो वापस उन्हें मुकदमे ले। प्रधान साहब ने एको गल कही भी जेल जावे कोई गल नहीं बहादुरी सी युरत सी उस युरत का नतीजा है भाई अज ये कॉलेज जोड़ा वा ये दुनिया भर के लोगों के सामने नजर में है हिंदुस्तान की गलते छड़ दीए तो उन्हें चलाने वाली जी संस्था है जो चलाने वाले महापुरुष है उन्हें साढ़े को सामने साढ़े खड़े जहाँ ना तो किसी गल की परवाह वा मैं अपने लफ्ज़ वापस ले लैना जी। तो इस करके उन्हां दी युरत उन्हां दी बहादुरी तो दूरदेशी की जिहड़ी सोच है उन्हें ही इस कार्ज नूं चलाई रख्या। तो मैं बेनती करता हाँ अगे प्रिंसीपल साहब नूं भी तो बाकी सारयां नूं भई इस कार्ज दे नाल जुड़े रहीए इनू चढ़ती कला में देखना चाहिए दे गांह चढ़ती कला में जाए जेड़े पूर ने सा संपूर्ण सिंह होनी उदों पा के गए जेड़े साडे बापू कमल गुरचरण सिंह होनी या कमल चरण सिंह होनी उदों पा के गए उदों बाद जो पूर ने सा गुरनाम सिंह जी लियार साहब जिन्हां दे अज अही मैं की कहां इस चीज़ नूं भी की मना रहे हैं मेरे समझ में नहीं आता पर जो भी है अज असी मना रहे हैं उन्हां दे पाए हुए पूर्णियां ते असीं चलण दी कोशिश करांगे। जिद्दां साडे बच्चों ने कहा सी वी जे तुसीं उन्हां नूं सरदांजलि देनी आ ते सरदांजलि उन्हां वर्गे बन के देखो असीं कोशिश करांगे भई उन्हां वर्गे बन के उन्हां दे पाए हुए पूर्णियां ते चल के इस कार्ज नूं चढ़दी कला विच लै के जाइए। इन्हां लफ्ज़ां नाल माफ़ी दा जाजक हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह। एक मिनट लगा मैं परमात्मा अगे बेनती करांगा कि इस परिवार नूं भाणा मनण का बल बख्शन ते उन्हां दी आत्मा जिहड़ी आ उन्हूं अपने चरणा च निवास बख्शन। इन्हां लफ्ज़ां दा माफ़ी दा जाजक हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह। ये कॉलेज ये स्कूल बाबा आया सिंह ही है। सरदार संपूर्ण सिंह का परिवार सरदार संपूर्ण सिंह के परिवार का ही रहेगा। अगे की हों उन्हें को गल कह कहना वाइस प्रधान सद लो उन्होंने गल कर लो प्रजाई उन्होंने को करा लो प्राइज उन्होंने को करा लो। स
सो साडे च कोई भी अहुदे वाला नहीं गा, अहुदेदार नहीं गा, सारे ही सेवादार है। अं कहने आओ आओ, मेरे को क्यों नहीं कोई टीचर रखना आता, आओ करो सेवा, लो नौकरी करो सेवा, आओ जाओ प्रौणियों घर बार तुहाडा आटा गुन्नो, अपना प्रार्थना साडा हैं, ये केड़ा आटा अपना गुन्नण लई पोलिटिक्स विच आउंदा ते धार्मिक कम्मां च करना आउंदा ते की करना आउंदा, आओ आओ आटा गुन्नो अपना प्रार्थना साडा। नच जांदे आ लोक, ये सिर्फ इहो ही परिवार आ, इहो ही परिवार आ जिहड़े डटे आ। ये सरदार इन्हां दे पिता जी गुरचरण सिंह, सारी पार्टी एक बने कम्यूनिस्टा दी, कम्यूनिस्टा ने इसे की कानफ्रेंस, उदन के कम्यूनिस्ट मेरे इसे विड़े ही नहीं बढ़ते, दर्द ही नट जाते, वो कहता नहीं मैं नहीं सचना जाना, उदन के नारे बजे कामरेड गुरचरण सिंह मुटला बाबा सुन लो, सो इत आओ आटा अपना गुनना पवेगा। सो ये बाबा आया सिंह गया सिंह नहीं गा, बाबा आया सिंह ही आ, ये रियाड़ फैमिली, ये रियाड़ टब्बर, ये रियाड़ टब्बर का ही है, रहेगा हैगा भी है। तो मैं सारे का बहुत धन्यवाद करना, बहुत बहुत मेहरबानी सारे ने दर्शन दिए, हूँ कृपा करके साडा बच्चों ने आपे ही तैयार किया अपनी हथी दाल रोटी, वो खाओगे तो आओ जी सारे, ये प्रसाद अरदास हो गई है तो प्रसाद वंडो फिर। हाँ जी, उन्हां दी याद विच ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।